तो गाइस यहाँ पे बन रही है कड़ी, और अभी अभी जो तड़का लगाया है इसको, अभी उबाला आना है। अभी तो पूरी, अभी तो लगेगा इसको पूरा आधा घंटा लगेगा, तो अभी बनने में टाइम लगेगा अभी। तो जस्ट अभी मैंने इसको तड़का लगाया है, और यहाँ पे लग रहा है छोले का तड़का। बस ये पकने वाला है। टमाटर मैंने पीस लिया है, ग्राइंड कर लिया है, धीरे धीरे करके गाइस काम हो रहा है। और मैं आपको दिखाती हूँ गाइस, जिंजर गार्लिक पेस्ट में ये वाला यूज़ कर रही हूँ, और जिसमें लहसुन अदरक का पेस्ट यूज़ करना है उसमें लहसुन अदरक, और जिसमें नॉर्मल जो अदरक और लहसुन होता है उसमें नॉर्मल लहसुन अदरक। और यहाँ पे भी गाइस अभी खलारा ही मचा हुआ था, यहाँ पे राजमा उबल चुके हैं। तो आज का मेरा जो रहेगा मैंने वो रहेगा कढ़ी। रहे गाइस बन चुके हैं, अब देख सकते हो इसका कलर कितना अच्छा है। बस थोड़ा सा भी देखेंगे इसको, थोड़ा सा भी ना, मुझे ग्रेवी थोड़ी पतली पतली सी लग रही है, लेकिन अभी थोड़ी देर में ये गाढ़ी हो जाएगी। जब थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी ना तो गाढ़ी हो जाएगी, उसके बाद ना फिर सब लोग शिकायत करते हैं कि ग्रेवी थोड़ी सी पतली होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में थोड़ी पतली रखी है। और यहाँ पे तड़का लग रहा है राजमा को, तड़का लग चुका है, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा पकने में इसको, ताकि प्रॉपर अपना ऑयल छोड़ दे। और कढ़ी मेरी बन चुकी है, और राजमा भी बस बनने वाले हैं। और यहाँ पर मैंने भिगो दी है चावल, चावल बस बिक चुके हैं, अब चावल का तड़का लगेगा और लास्ट में बनेगा हमारा रायता। गाइस चावल बनके रेडी हो चुके हैं। आज थोड़ी सी क्वांटिटी मैंने चावल की ज़्यादा करी है, क्योंकि कल बहुत सारे कस्टमर आए थे लेकिन चावल ख़त्म हो गए थे, लेकिन चलो भगवान जी की दया से खाना बचा नहीं, ख़त्म हो गया। और चावल ये बनाया मैंने, और चावल एक ये मैंने बनाए हैं, क्योंकि आज पूजा और मन्नू ने दोबारा आना है, तो उन्होंने बोला था कि चाची थोड़ी सी चीज़ें ज़्यादा बना लेना, क्योंकि उनको थोड़ा सा बच्चों को खिलाना है या बड़े बुजुर्ग किसी को भी खिलाना है, तो इस वजह से मैं उनके लिए थोड़े से ज़्यादा चावल बनाए हैं। और कढ़ी भी थोड़ी क्वांटिटी में ज़्यादा ही करी है मैंने। अभी खोल के क्या ही दिखाऊँ, बर्तन ये राजमा और कढ़ी, और यहाँ पे बन चुके हैं छोले। तो ये खाना मेरा रेडी हो चुका है, और अभी चावल बन गए, ये चावल बन गए, और रायता भी रेडी हो चुका है गाइस। तो बस अभी थोड़ी सी पैकिंग करनी है और मुझे अपना थोड़ा सा काम। सो गाइस चाची अभी थोड़ा बिजी थे, मैंने कहा थोड़ा व्लॉगिंग मैं कर देती हूँ चाची के बिहाफ पे करने के लिए गाइस। हाँ मैंने कहा थोड़ा मैं हेल्प कर देती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग तो आ चुके हैं, मैं भी आ चुकी हूँ, और मम्मी और काकू भी आ चुके हैं, और हम लोग ने अपना खाना भी शुरू कर दिया। कढ़ी चावल लिए, राजमा चावल लिए, मन्नू देख लो फिनिश हो चुका है, बिल्कुल मिनटों में खत्म कर दिया। हाँ बट सच में चाची बहुत टेस्टी है, अच्छा लगा। कढ़ी कल से मेरी कढ़ी, पता कल से मम्मी पेंडिंग चल रही थी, मैं कल आई कल खत्म हो गई, हमने कहा अब आज टाइम पे आएंगे, तो सब्सक्राइबर्स भी आ रखे हैं, सब्सक्राइबर्स भी आ रखे हैं वो भी। चलो आप भी कुछ ऑर्डर कर लो, राजमा चावल करें, ठीक है। तो गाइस मेन चीज़ ये है कि हमारे घर वाले खुद आ रहे हैं, अपना खाना बना रहे हैं, खा रहे हैं, और मेरी हेल्प हो रही है यहाँ पे, और मुझे काम नहीं करना पड़ रहा है। पूजा हाँ थोड़ा सा रहता है। तो गाइस अभी कस्टमर खड़े हैं, और पूजा और अभी हेल्प करवा रही है, और मन्नू जी हमारी हेल्प करवा रहे हैं, और अभी हेमा दीदी यहाँ पे खड़े हुए बातें कर रहे हो तो दूर दूर से सब आ रहे हो। और दीदी कैसा था खाना? बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया। हाँ, तो गाइस यहाँ पे हो रही है हमारे घर वालों की समाज सेवा, जो कि मैंने सुबह मॉर्निंग में बताया था कि हेमा दीदी और पूजा और मन्नू जी ने आके थोड़ा सा काम वो करा था हमारे लिए, कि ठीक है पहले से ऑर्डर बोला है कि हमारे कहती है काम दिन दुगनी रात चौगनी हो, और हमारी मम्मी की सेहत सही रहे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सेवा कर रहे हो ना सब कुछ अच्छा होगा, टेंशन मत लो। थैंक यू थैंक यू। हाँ जी देखो सामने, देख लो आमने सामने। गाइस आज का दिन बहुत ही अच्छा गया, टचवुड भगवान जी की कृपा से, कोई लकड़ी नज़र नहीं आ रही मुझे अभी फिलहाल आसपास, लेकिन आज का दिन बहुत अच्छा गया। और मेरी बहुत सारी YouTube फैमिली आके मेरी बहुत सीरियसली बहुत हेल्प कराई। मैं सीरियसली बोल रही हूँ कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ऐसा मेरे साथ कुछ होगा, कि आगे जाके मेरे को हम एक कहते हैं ना एक पब्लिक है एक तरह से, जो हमारी फैमिली की तरह रह रही है साथ में, तो मुझे बहुत सपोर्ट मिल रहा है। और सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगी इनका, तो बताओ मैम कौन से है? मेरा नाम शालू है, मेरे ब्लॉग का नाम है शालू तन्वी ब्लॉग्स, और आज मैं दीदी से मिलने आई हूँ। प्लीज़ आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के कह रही हूँ, प्लीज़ यहाँ पर आइए, विजिट करिए, बहुत टेस्टी इनका खाना है, बहुत टेस्टी। रियल में ऐसा मैं भी नहीं बना पाती, मुझे कढ़ी बहुत पसंद आई है इनकी, बहुत अच्छी कढ़ी बनाई है, खाना ही अच्छा। थैंक यू। तो बस आप इनके चैनल को भी गाइस सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे
आपने मुझे सपोर्ट करा है, आप उनको भी सपोर्ट करें ताकि देखिए आपके एक एक बेस पे बंदा आगे बढ़ सकता है। आपके चंद लम्हे आपके कुछ लम्हे उनको सपोर्ट करके आगे बढ़ाइए, जैसे एक दूसरे का सपोर्ट बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसलिए कह रही हूँ दीदी को भी प्लीज सपोर्ट, मुझे चाहे करिए या ना करिए लेकिन दीदी को सपोर्ट करिए आप प्लीज। हाथ जोड़ के विनती आपसे फिर से, थैंक यू। और रौनक के लिए मैं बिस्किट लेकर आई हूं। हाँ, रौनक के लिए ओरियो आ रहा है भाई, बहुत ज्यादा रौनक के लिए भाई ओरियो इतने सारे आ रहे हैं, रौनक एक दुकान खोल सकता रौनक के ओरियो खत्म नहीं होने को आ रहे। तो गाइस मैं पूरा पैकेट लेके आई हूँ, मैं देख मुझे बहुत प्यारा लग रहा है रौनक तो मुझे बहुत ज्यादा। मेरी बेटी बोली मम्मा आप भैया बिस्किट खाते हैं, आप जरूर भैया के लिए बिस्किट लेकर जाना। 11 नहीं, उसने पहले बोला मम्मी 13 मैंने लौंग डाले, जब मैंने उसको छाना ना वो बाप रे इतने सारे लौंग उसमें से बहुत सारे। आप कहाँ से आए हो? मैं पालम से आई हूँ। तो गाइस पालम से मिलने के लिए आए हैं हम लोग, काफी टाइम से आप लोगों के व्लॉग्स देखते हैं और बस खाना बहुत ज्यादा टेस्टी है, तो जरूर आओ इनका खाना खाने के लिए, सपोर्ट करो जितना हो सकता है। हम लोग वैसे भी बहुत सारी जगहों पर नॉर्मली खाना खाने जाते हैं, बट जो जनरली बहुत टेस्टी है ना उसको जरूर सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? मानी है, मानी। आपका नाम क्या है? नाम बता दो बेटा आंटी को। क्या नाम है इसका? नाम क्या? मानवी। मानवी, मानवी आपका नाम क्या है? मम्मा मुझे भी लेके चलो, मुझे भी लेके चलो। मैंने कहा नहीं आपको नहीं लेके जाऊंगी, बच्चों को भगा देते हैं। नहीं भगाएंगे मैं खाना, बच्चों को भगाते नहीं है, बच्चों को प्यार करते हैं हम। मैं खाना खा के आऊंगी आंटी का, मुझे भी कढ़ी चावल खिलाओगे। मैंने कहा अच्छा, तो सर जी आप बताओ खाना कैसा लगा आपको? कैसा लगा बताओ? बहुत टेस्टी, जैसे बीच बीच में आते रहेंगे जब टाइम लगेगा। बिल्कुल, मोस्ट वेलकम ऑलवेज। और भाई हम उत्तम नगर से आए हैं, तो भाई प्लीज बस यही कहूंगी बार बार कि दीदी को सपोर्ट करो, हमें तो चाहे करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं, हमें दीदी को प्लीज सपोर्ट करो सब। थैंक यू जी। और हमने दीदी की हेल्प भी करवाई है यहाँ बहुत बहुत सीरियसली, सारे हेल्प भी करवा रहे हैं यहाँ पे, अपने आप खाना बना रहे हैं, डाल रहे हैं, खा रहे हैं और क्या। ये झूठ ये नहीं बोलेंगे हम बना रहे, बनाया दीदी नहीं है, लेकिन हम जो है हेल्प सर भी कर रहे हैं सब। तो भाई बहुत टेस्टी खाना है और मैंने पैक भी करवाया, दिखा दो भाई, मैंने खाया भी है और पैक भी कराया, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो गाइस मैंने पैक भी करा लिया अपनी सासू माँ के लिए, सासू माँ को आज मैंने भूखा मार दिया। नहीं नहीं आप खाना खिलाना उनको जाके। मैंने कहा आ रही हूँ अभी, अभी गई और आती आई, कितना टाइम हो गया। थैंक यू, थैंक यू, ओके जी। मैम खाना कैसा लगा आपको? आप आते रहना ठीक है? बिल्कुल हम आते रहेंगे, आपके ब्लॉग देखते रहेंगे और अगले दिन का मेन्यू वो पता लगता रहेगा, पता चलता है कि आज कल क्या होने वाला है। हाँ जरूर, इसलिए हम लोग कढ़ी के लिए आए थे और कढ़ी मिली हमारे को, लेकिन चावल थोड़े से कम, चावल खत्म हो गए, चावल खत्म हो गए थे। बट डोंट वरी, आपका काम बहुत अच्छा चलेगा आगे भी। थैंक यू फॉर द बेस्ट विशेस। तो हमारे जमाई जी हमारी सेवा कर रहे हैं गाइस, हमने तो क्या ही करनी है उनकी। थैंक यू जी, थैंक यू। हमारी हमारा तो करना ही क्या ही है, यही हमारी कर रहे हैं यहाँ पे आगे। बताओ मजा आ गया जी खाना खा के, और जितने भी लोग गए सबने तारीफ करी है, और थैंक यू सबका, बहुत अच्छा, मतलब अब खाना अच्छा है तो तारीफ तो मिलेगी जी। थैंक यू जी, थैंक यू। घर का मैं जी ये मैंने ना बाहर का कुछ मसाले मसाले बिल्कुल भी यूज नहीं करा, घर का ही बनाया हुआ जो भी बनाया हुआ है, है ना, तभी वो खाया जाता आपका, हाँ, है ना? आपका जितना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है उससे भी 10 गुना मिलेगा, क्योंकि साफ सफाई सबसे पहली बात, दूसरा पंजाबी का खाना तो होता है पंजाबी का खाना, और तीसरा घर का खाना है। हाँ जी, बहुत अच्छा बेनिफिट मिल रहे हैं एक जगह पे। हाँ सही बात है, सारे बेनिफिट मिल रहे हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू गाइस, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो, ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे आओ, विजिट करो, खाओ पियो, पैक करवा के लेके जाओ, बस आओ। थैंक यू जी, थैंक यू। तो गाइस मैं सुबह खाना मैंने किचन में बिल्कुल नहीं दिखाया था, ये सोचकर कि ना मैं ना कार्ट पे जाके दिखाऊंगी, लेकिन क्या हुआ कि मैं जैसे ही आई यहाँ पे मैंने खाना लगाया तो मतलब कोई कस्टमर आने स्टार्ट हो गए, और टचवुडा भगवान जी की कृपा से ये हुआ ऐसा, क्योंकि जैसे हम आते हैं ना सुबह तो एक होप होती है कि ठीक है आज काम अच्छा हो, काम अच्छा हो, वही सोच के आते हैं। तो क्योंकि मेन चीज़ ये है ना कि गाइस की एक उतना दुकान खोलते हैं तभी भी आस होती है बंदे को कि खाली ना जाए,
और अभी मैं जैसे काम कर रही हूँ तो मुझे पता है कि खाना बनाया तो वेस्ट इज़ नाउ मेन चीज़ ये है, तो वही हर बंदा इसी होप से अपना काम खोलता है सुबह, तो सबका काम अच्छा होना चाहिए भगवान की कृपा से, कोई भी अपने घर से मतलब एक दुकान से दुकानदारी से अपनी जगह से खाली ना जाए, मेन चीज़ वो होती है। बाकी मैंने सोचा मैं यहाँ पे कार्ड पे आके आपको दिखाऊंगी छोले राजमा कढ़ी वगैरह सब कुछ, लेकिन मैं नहीं दिखा पाई क्योंकि एकदम से जैसे मैंने लगाया तो टचपुर कस्टमर आना स्टार्ट हो गया, तो मैं वो पूरा नहीं कर पाई, नहीं दिखा पाई। और अभी भी क्या है कि कड़ी ख़त्म होगी गाइस, 3:10 हो रहे हैं और राजमा ख़त्म हो गए, छोले ख़त्म हो गए, और नहीं राजमा पड़े ख़त्म हो गए, कड़ी ख़त्म होगी और छोले पड़े हैं, चावल पहले फिनिश हो गया, रायता पहले फिनिश हो गया और अभी पड़ी है रोटी, तो मैं वेट कर रही हूँ कि ठीक है जिन्हें रोटी खानी होगी छोले के साथ खानी होगी तो वो खा लेगा वैसे करके, तो अभी वेट ही कर रही हूँ फिलहाल। बाकी भगवान जी की कृपा से रिस्पॉन्स अच्छा था और अच्छा ही हुआ भी गाइस, तो बस अभी मैं वेट कर रही हूँ। और आज बहुत रौनकें लगी हुई थी, पूरी YouTube फैमिली आई हमारे पास और बहुत सपोर्ट करा गाइस, और मैं चीज़ ये कि आपके सपोर्ट ने मुझे यहाँ से यहाँ तक बढ़ाया है, और अकेले बस की बात नहीं होती है, तो अभी देखते हैं क्या होता है गाइस। तो गाइस आज हमारी जो फ्रेंड है वो किसी को साथ में लेके आए थे, आपको पता है मैंने मिलवाया था उनसे आपको, और बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई, वो एक तरह से मेरे सब्सक्राइबर थे लेकिन यूट्यूब फैमिली जो मेरे साथ जुड़ी हुई है उसकी वजह से मेरे आगे भी बहुत फैमिली बन गई है, टचवुड है कि बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है, बहुत ही खुल के प्यार मिल रहा है मुझे। तो आज वो किसी को लेके आए हैं अपने साथ, मैं उनके साथ आपको इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। और वो क्या चीज़ है कि वो ये नामधारी शिक्षक जो है उस संस्था से जुड़े हुए हैं, तो मैं आपको गाइस उनसे मिलवाना चाहती हूँ। हाय गाइस, मैं कोई फ्रेंड हूँ जिसको आप बोलते हो कि ब्लॉग में क्यों नहीं आते, बट आ जाऊँगी, आज मैं अपने इनको लेके आई हूँ, इनके साथ मैच हुई सोशल वर्क में जिन्होंने मुझे जोड़ा, वो हैं गुरदीप जी। आपका नमस्कार जी, मेरा नाम है गुरदीप कौर और मैं नामधारी समाज से जुड़ी हुई हूँ, और पिछले 7-8 साल से हम लोग फ्री विद्यादान की सेवा कर रहे हैं, श्री ठाकुर दिलीप सिंह जी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से, उनके दिव्य शिक्षा से, तो उसके अंदर हम जो बिल्कुल झुग्गी झोपड़ी के बच्चे हैं, जिन बच्चों को कोई भी नहीं पूछता, जो बच्चे पढ़ नहीं सकते, जो विद्या से वंचित रह जाते हैं, उनको हम विद्या के साथ जोड़ते हैं। उसके अलावा सिलाई कढ़ाई ये सब सेंटर भी हमारे दिल्ली में चल रहे हैं, अलग अलग स्थानों पर हमारी बहनें हैं जो घरों से निकल कर अब सेवा कर रही हैं। तो इसके साथ साथ हम लोग पुलिस की सेवा भी करते हैं, जिसका बोर्ड यहाँ पर भी घासपुरी पुलिस थाने के बाहर लगा हुआ है जी, इसके अंदर ये मेंशन है कि पुलिस की सेवा करिए, वो भी बहुत अच्छे इंसान होते हैं। तो उन सब सेवाओं के साथ साथ हम एक ही जो संदेश है हमारा स्पेशली जो संदेश रहता है इन सेवाओं के थ्रू, कि भाई जो हमारे ठाकुर दिलीप सिंह जी वो आज के समय को देखते हुए जहाँ पर हमारी नौजवान पीढ़ी नशे की तरफ या कुछ ज़्यादा टीवी सिनेमा इन चीज़ों की तरफ दौड़ रही है, लेकिन अगर हम उन चीज़ों के साथ साथ एक्टिविटीज़ को लेकर हम नौजवान बच्चों को सोशल मीडिया पे इन चीज़ों के लिए क्यों ना प्रोत्साहित करें, आगे बढ़ाएं, कि हम अच्छी चीज़ों को क्यों ना हम आगे बढ़ाएं, जैसे कि हमारी बहन है इतनी हिम्मत करके गई, अपना काम इन्होंने खोला है, ये देखिए इन्होंने एक रेहड़ी ही लगा ली है कि मैं चलो खाने पीने का सामान खोलूँगी, खुद मेहनत करूँगी तो मेरे बच्चे भी आगे मेहनत करेंगे, तो किसी भी काम में कोई शर्म नहीं होती। हाँ बिल्कुल, वो तो है, मेहनत से किया हुआ काम में, हाँ बिल्कुल कोई शर्म नहीं होती। आपका नाम क्या दीदी? मेरा नाम गुरविंदर। गुरविंदर दीदी है जो मुझे इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ऐसी लेडीज जो होती है वो एग्जाम्पल होती है, उन्होंने हमारी तारीफ की है लेकिन हमें उनसे सीखने को मिल रहा है कि जिंदगी में कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि मुझे पता लगा था कि थोड़े टाइम पहले ही उनके जो घर के हस्बैंड थे उनकी डेथ होगी, तो उसके बाद इन्होंने हौसला नहीं हारा, जिंदगी आगे बढ़े हैं, अपने बच्चों के साथ स्टैंड हुए हैं और उनको करके दिखा रहे हैं कि भाई मेहनत जो है वो किसी भी फील्ड में किसी भी जगह पर हम करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे ही देखिए एग्जांपल्स की ज़रूरत है, मैं यही सब कहती हूँ, आप सबको थैंक यू बोलती हूँ, हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे अपने उन बच्चों को लेकर आएंगे जिनको हम लोग पढ़ाते हैं, फ्री विद्यादान देते हैं, आप खुद देखना वो इतने प्यारे बच्चे हैं छोटे छोटे, हम दीदी की शॉप पर आएंगे और खूब एंजॉय करेंगे। बिल्कुल, थैंक यू, बाय बाय। और आप दीदी को जरूर सपोर्ट कीजिए, इनकी रील्स को इनकी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, फॉलो करिए, ताकि दुनिया को भी पता लग सके कि हौसला जो है ये बहुत बड़ा है।
तो गाइस जस्ट अभी मैं काम को बढ़ाकर घर आई हूँ और आते ही बस थोड़ा सा रेस्ट करना चाहती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है गाइस आज सच्ची में। और टचवुड भगवान जी की कृपा से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी सही रहा और जल्दी जल्दी काम भी फिनिश हो गया था। तो अभी बज रहे हैं 6, तो सारा पैक वैक करते करते काम बढ़ाते हुए टाइम लग जाता है क्योंकि सारी पैकिंग करके आना पड़ता है और लॉक वगैरह करके आना होता है। वैसे तो मेरे ऑफिस के लोग मेरी हेल्प कर देते हैं उस चीज़ में, लेकिन अपना होना भी ज़रूरी होता है तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बाकी 4:30 तक खाना मेरा ओके हो चुका था। बस अभी घर आई हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी और देखते हैं कल क्या क्योंकि कल का मैं संडे का ऑफ रखने की सोच रही हूँ, इसलिए क्योंकि लास्ट टाइम संडे को जब मैं गई थी ना तो इतना कोई खास नहीं क्योंकि बंद होते हैं ऑफिस वगैरह। चलिए बंद करना मत कर आज, क्यों छेड़ रहा उसके बच्चे को। तो लास्ट टाइम जब मैं आई थी और संडे को तो इतना रिस्पांस नहीं था, खाना मैं कमी लेके गई थी क्योंकि अभी 3-4 दिन हुए थे तो खाना मैं कमी लेके गई थी तो पर निकल गया था, लेकिन उस हिसाब से जितना होना चाहिए क्राउड वैसा नहीं था। तो मैंने सोचा कि क्योंकि आसपास जो कार्ड्स वगैरह लगी होती है ना गाइस वो भी नहीं थी, तो इस करके मैंने सोचा कि मैं संडे को ऑफ रखूँगी ताकि मेरे को भी थोड़ा रेस्ट मिल जाए और मंडे को मैं जाऊँगी बिल्कुल फ्रेश माइंड से जाऊँगी और अच्छे से ठीक होकर जाऊँगी क्योंकि अभी बॉडी को मेरी थोड़ी नीड है कि मैं थोड़ा रेस्ट करूँ और थोड़ा सा रौनक के साथ टाइम स्पेंड करूँ क्योंकि वो भी नहीं कर पा रही हूँ मैं। और रौनक भी चाहता है कि मैं कल नहीं जाऊँ तो इस वजह से उसने बोला मम्मी नहीं जाना। वैसे मैं सोच रही थी कि खाना थोड़ा सा कम ले जाऊँगी चली जाती कोई बात है, टाइम क्यों वेस्ट करना है, दिन क्यों ख़राब करना है, लेकिन वो ही चाहता नहीं है कि मैं जाऊँ तो उसने बोला कि नहीं मम्मी घर पर रहो। तो इस करके मैंने उसको देखते हुए यही सोचा कि वैसे तो मैं वहाँ से ही सोच के आई थी कि नहीं मैं जाऊँगी, लेकिन अभी रौनक ने बोल दिया इसलिए मैं नहीं जाऊँगी गाइस। तो उसके साथ टाइम स्पेंड करूँगी, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, फिर अगले दिन की तैयारी करूँगी। गाइस बड़े दिनों बाद मैं काट की कोई सब्जी को छोड़ के घर की सब्जी खाऊंगा। काट की सब्जी घर की सब्जी होती है, लेकिन वही मतलब वही सेम चीज है ना, आज थोड़ा डिफरेंट हो रहा है। क्या हो रहा है डिफरेंट आप बताइए। दी ये तो मतलब रोज एक आइटम डिफरेंट होती है, इसको बताओ रोज एक आइटम डिफरेंट होती है। वो तो है, राजमा होते हैं, छोले नहीं बने थे 2-3 दिन से, आज छोले बनाए हैं। और मतलब मैं बताती हूँ इसकी रियलिटी क्या है, इसको पनीर नहीं मिला है, सोच रहा पनीर मिल रहा मुझे, तो मेन इसका मकसद वही है। सही बात, इस करके ये बोल रहा है मम्मी पनीर की भुर्जी बना दो। मैंने इसको बोला कि फुलके बचे हुए हैं तो थोड़े से 5-7 वो खा लेते हैं अभी, कह रहा आपके हाथ की खानी है। भाई मेरे हाथ की है, वो भी वो फ्रेश खानी है मेरे को, जैसे उतरते ही गर्मा गर्मा एकदम हाथ सड़ जाए। जल्दी जल्दी बना दो, अभी मैं बना रही हूँ। तो गाइस अभी पनीर बना, कल मैं लेके आई थी 20 रुपए पानी है इसके अंदर, ये लो ये लो, गिरा गिरा पनीर 20 रुपए का पनीर लाई थी, इसके लिए बन जाएगी सब्जी। और मैं खाना चाहती हूँ मैगी क्योंकि आज शाम को 5 बजे मैंने खाना खाया क्योंकि सुबह के टाइम नहीं खाती हूँ मैं, टमाटर नहीं डालना और बना डालती हूँ, और दोपहर के टाइम लेट हो गया तो मैंने खाना शाम को खाया। अच्छा। तो इस वजह से तो अभी रौनक के लिए भुर्जी बनी की रोटी, थोड़ा सा आटा गूंथ लिया मैंने और मैं खाऊंगी मैगी जो कि मेरे लिए। कोई ना बना दूंगा, ठीक है अच्छी सी बढ़िया सी। हमारे फेस पे स्माइल है और क्योंकि आपका सपोर्ट मिल रहा है गाइस, उसके लिए थैंक यू सो मच। और आपने बहुत साथ दिया है और आगे भी अपना साथ इस तरह से बनाए रखिएगा। और हमारी इंस्टाग्राम आईडी है निक्सन रौनक के नाम से, तो प्लीज जाके फॉलो कीजिए। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, फर्स्ट टाइम हमारा चैनल देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और आपके बहुत सारे कमेंट्स आए थे गाइस, उसके लिए थैंक यू सो मच। और मेन चीज़ ये कि कल का मेरा ऑफ रहेगा गाइस, कल छुट्टी रहेगी, आगे भी संडे को छुट्टी रहेगी, एक दिन छुट्टी का प्लान रखा हुआ है बस, और अपने लिए और रौनक के लिए थोड़ा सा वक्त निकालना चाहती हूँ। तो कल का ऑफ रहेगा तो कल की कोई मेन्यू नहीं गाइस, तो कल छुट्टी का दिन है, आप लोग भी सब अपने घर में इंजॉय करना, आराम करना अपनों के साथ और अच्छे से इंजॉय करना गाइस। तो इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिएगा। गुड नाइट, टेक केयर, बाय गाइस।